हेलो नमस्ते सलाम दुआ वणक्कम प्रणाम सत श्री अकाल केम छो सारू छे। मैं शशांक आपका अपने चैनल ट्रिप टू सन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा नीलकंठ महादेव के, जो पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ पर पूरे भारत वर्ष से सभी राज्यों के श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो चलिए जल्दी से हम भी आज उस पावन धरती के दर्शन कर लेते हैं और देरी ना करते हुए नीलकंठ महादेव चलते हैं। देवभूमि उत्तराखंड और उत्तराखंड के मनोरम पहाड़ जो कि हिमालय और हिमालय की शाखाएं हैं, इन पर्वतों ने आपके और हमारे ही नहीं बल्कि देवी देवताओं के मन को भी मोहा है। इसीलिए समय समय पर यहाँ पर देवी देवता प्रकट हुए हैं और उन्हीं में से एक हैं नीलकंठ महादेव, जो कि ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा नीलकंठ के दर्शन किए बिना अधूरी है। यह 30 किलोमीटर का सफर प्रकृति के इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाता है जिनको देखते देखते हम आ पहुंचते हैं नीलकंठ महादेव। यह तीन बड़े पर्वतों से घिरा हुआ है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने 60,000 वर्षों तक तप किया। इसकी कथा इस प्रकार है, जब देवी देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन का बंटवारा हुआ, उसमें से निकले विष को कोई पीने के लिए तैयार नहीं था। उस विष को भगवान शिव ने पी लिया और पीकर अपने कंठ में रोक लिया, जिसकी वजह से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और भगवान शिव नीलकंठ महादेव कहलाए और कंठ में स्थित विष की अग्नि को शांत करने के लिए भगवान शिव ने यहाँ पर 60,000 साल तक तप किया और समस्त देवी देवताओं ने गंगा जी का ठंडा जल भगवान शिव के कंठ पर चढ़ाया, जिस कारणवश भगवान शिव के कंठ में स्थित विष की अग्नि शांत हो गई। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। सभी भक्त और श्रद्धालु गंगा जी का ठंडा जल नीलकंठ महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं और भगवान शिव यानी नीलकंठ महादेव उनकी सभी पीड़ाओं को समाप्त कर देते हैं। यही है नीलकंठ महादेव की पौराणिक कथा। इसी तरह की रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए। ये हमारी कुछ और वीडियो हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं।